नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं ऑलवर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। फेस्टिवल सीजन में चाक चौबंद हुई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के कनॉट प्लेस सहित सभी व्यस्त बाजार में पुलिस फोर्स तैनात। जेल में कटी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एक और रात, आज फिर होगी सुनवाई। जमानत अर्जी पर फैसला सुना सकती है सेशंस कोर्ट। गोवा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, आज दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के बाद पंजाब में सियासी खलबली। कांग्रेसी को लेकर अकाली दल आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर उठाए सवाल। आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक ने दिए 6 संकेत, कहा कोरोना से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा असंगठित क्षेत्र में अभी भी चुनौतियां बाकी। असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव का विश्लेषण करने पर दिया जोर। रसोई में महंगाई की मार, 12 दिनों में दूसरी बार पीएनजी के दामों में इजाफा। सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी, दिल्ली में 40.76 रुपए प्रति किलो हुआ सीएनजी। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं, 100 राज्यों में 100 रुपए के पार है डीजल। लखीमपुर कांड को लेकर जारी है जोरदार सियासत, राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, लखीमपुर कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। अंतिम दास में मानी नेपाल भागने की बात, लेकिन किसानों को कुचलने वाली गाड़ी में आशीष मिश्रा के होने की बात से किया इनका। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया अंकित दास, अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजी। लखीमपुर खीरी पहुंचे यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा से यूपी के मुख्यमंत्री पर किया वार, तंज कसते हुए कहा बुलडोजर उन्हें बहुत पसंद। छत्तीसगढ़ के सीएम ने नक्सलियों से की आरएसएस की तुलना, बोले सांप्रदायिक तौर पर धर्मांतरण में इनकी मस्त। पंजाब में केजरीवाल ने एक और किया बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो हर शख्स को देंगे नौकरी। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर जारी है सियासत, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने किया गति शक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम योजनाओं में तालमेल बढ़ाने में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अमित शाह की 2 घंटे तक बैठक, पीयूष गोयल और बीएल संतोष के साथ बीजेपी बोर्ड रूम में मंथन। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 1971 जंग की 50वीं वर्षगांठ पर फोटो प्रदर्शनी, सोनिया राहुल और प्रियंका भी हुए शामिल। दिल्ली में एम्स अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में चल रहा है लाभ। देश में सब्जियों की कीमत में हुई बढ़ोतरी, थोक बाजार में 25% तक बढ़े दाम। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया, खिताब के लिए कल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा मुकाबला। टॉस जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, क्रिस पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।